दाग, अ पोयम ऑफ लव, 1973 में रिलीज्ड एक ऐसी फिल्म जिससे जुड़ी कुछ खास बातें मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। इसी के साथ हाल ही में इस फिल्म को रिलीज़ हुए 48 साल पूरे हुए हैं, 48 ईयर्स। इसीलिए मैंने सोचा कि इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें आप लोगों के साथ करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 27 अप्रैल 1973 को और इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा जी ने। और ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले ही बनी थी और इस फिल्म की कहानी को लिखा था गुलशन नंदा ने और इस फिल्म के डायलॉग्स को लिखा था अख्तर उल ईमान ने। इसी के साथ इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर जो थे वो थे के जी और इस फिल्म में म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म के जो लिरिसिस्ट थे वो थे साहिर लुधियानवी। इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर थे वो थे सुरेश भट्ट। इसी के साथ इस फिल्म की मेन कास्ट में शामिल थे राजेश खन्ना, राखी गुलजार, शर्मिला टैगोर, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा, एके हंगल और कादर खान। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की जो कुछ यूँ हैं। सुनील और सोनिया अपनी शादी के बाद अपने हनीमून पर जाते हैं और वहाँ सुनील के बॉस का बेटा धीरज एक दिन सोनिया के साथ रेप करने की कोशिश करता है और सुनील सोनिया को बचाता है और इस बचाने में सुनील और धीरज की हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में अनजाने में सुनील से धीरज का कत्ल हो जाता है और इस कत्ल के बाद सुनील और सोनिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सुनील गिरफ्तार होता है और उस पर मुकदमा चलता है और ख़बर ये आती है कि कोर्ट से जेल ले जाते समय सुनील की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। इस खबर से सोनिया टूट जाती है और अकेली पड़ जाती है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि कहानी कुछ साल आगे का मोड़ लेती है और जहाँ सोनिया अब एक छोटे से बच्चे की माँ है। इतने सालों बाद सोनिया की ज़िंदगी भी तब बदलती है जब वो सुनील को देखती है कि वो ज़िंदा है और उसकी शादी हो चुकी है चांदनी नाम की लड़की के साथ और वो भी एक बच्चे की माँ है। ऐसा क्यों हुआ और आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, यही इस फिल्म की कहानी है। इसी के साथ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फिल्म है यशराज बैनर की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के थ्रू यश चोपड़ा ने यशराज की नींव रखी थी। इसी के साथ ये जो फिल्म है वो आधारित थी ईयर 1886 में थॉमस हार्डी के नॉवल द मेयर ऑफ कास्टनब्रिज पर। इसी के साथ दाग जो है राजेश खन्ना जी की यश चोपड़ा जी के साथ दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म थी इत्तेफाक जिसे कि क्रिटिकली काफ़ी सराहा गया था, लेकिन दाग से पहले यश चोपड़ा जी ने जितनी भी फिल्मों को डायरेक्ट किया वो अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा जी के साथ मिलकर उनके बैनर के तले किया था जो था बीआर फिल्म्स। दाग की सफलता के बाद राजेश खन्ना जी का जो क्रेज़ है लड़कियों के बीच वो काफ़ी बढ़ गया था, सभी ने उनको काफ़ी पसंद करना शुरू किया था और दाग के बाद राजेश खन्ना जी ने कई रोमांटिक हिट्स में और भी काम किया। इसी के साथ दाग की सफलता को देखते हुए सन 1978 में इसे एक बार फिर तेलुगु में दोबारा से बनाया गया विचित्र जीवथम के नाम से। इसी के साथ दाग जो है एक्टर कादर खान के करियर की पहली फिल्म रही, यानी कि एज एन एक्टर कादर खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। इसी के साथ इस फिल्म में शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार दो बांग्ला अभिनेत्रियों ने एक साथ काम किया। ये पहली और आखिरी हिंदी फिल्म रही जिसमें कि ये दोनों एक साथ नज़र आई थीं। इसके अलावा ये दोनों बांग्ला फिल्म शुभ मुहूर्त में भी एक साथ नज़र आई थीं। एक्ट्रेस राखी गुलजार की शादी फेमस पोएट गुलजार साहब से हुई थी ईयर 1973 में और दाग जो है राखी गुलजार की पहली फिल्म थी उनकी शादी के बाद। और इस फिल्म में राखी गुलजार जो है हमें सपोर्टिंग रोल में दिखी थी और उनका एक भी गाना राजेश खन्ना जी के साथ नहीं था, जितने भी गाने थे सब शर्मिला टैगोर जी के साथ ही थे। लेकिन फिर भी राखी गुलजार के इस छोटे से रोल को सभी ने इतना पसंद किया कि 1974 में हुए फिल्मफेयर अवार्ड्स में राखी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, इस फिल्म में राखी जी के किरदार का जो नाम था चांदनी उसे यश चोपड़ा जी ने लकी माना और आगे उन्होंने कई फिल्में बनाई जिसमें कि हीरोइंस को उन्होंने यही नाम दिया, जैसे चांदनी, फासले और सिलसिला। इन सभी फिल्मों में हीरोइंस के नाम चांदनी थे। इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक को उस साल तो काफ़ी सुना गया ही था और इस फिल्म के सभी गानों को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं।
इसी के साथ 1974 में हुए फिल्मफेयर अवार्ड्स में दाग ना सिर्फ कई कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई बल्कि यश चोपड़ा को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्मफेयर की तरफ से उस साल दिया गया। इसी के साथ साल 2012 में जब यश चोपड़ा जी ने अपनी आखिरी फिल्म जब तक है जान अनाउंस की थी और जब तक है जान की रिलीज से पहले सोर्सेस यही बता रहे थे कि ये फिल्म दाग की रीमेक होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब तक है जान की कहानी बिल्कुल अलग थी। इसी के साथ जब तक है जान के बाद यश चोपड़ा जी का निधन हो गया था और एक निर्देशक के तौर पर जब तक है जान यश चोपड़ा जी की आखिरी फिल्म थी। इसी के साथ एक्टर राजेश खन्ना फिल्म दाग के बाद यशराज के साथ एक ही फिल्म में नजर आए जो थी ईयर 1988 में आई विजय, जिसमें कि उनके साथ थी हेमा मालिनी। विजय के बाद राजेश खन्ना जी यशराज फिल्म्स के साथ कभी नजर नहीं आए। इसी के साथ एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने अपने कई अनुभवों को साझा किया था फिल्म दाग को लेकर के। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि फिल्म दाग में एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना यश चोपड़ा के लिए पूरे तरीके से नया अनुभव था, साथ ही उनके पास कोई बिजनेस सेंस नहीं था, लेकिन उनके कई फ्रेंड्स थे जो इमोशनली और फाइनेंशियली यश चोपड़ा के साथ तब खड़े थे, जैसे कि उनके फ्रेंड गुलशन राय जिन्होंने फाइनेंशियली यश चोपड़ा की काफ़ी हेल्प की थी। साथ ही इस फिल्म के जो स्टार्स थे, इस फिल्म के जो लिरिसिस्ट थे साहिर लुधियानवी, सभी इमोशनली यश चोपड़ा को काफ़ी सपोर्ट दिए हुए थे और हर तरह की हेल्प के लिए तैयार थे। आगे यश चोपड़ा ने ये बताया कि आज के समय में इतनी मदद शायद कोई और नहीं कर पाता जितनी कि मेरे दोस्तों ने उस समय की थी। इसी के साथ आगे उन्होंने ये बताया कि एक डायरेक्टर के तौर पर यश चोपड़ा पहले ही काम कर चुके थे अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के साथ मिल करके, और उन्होंने 5 फिल्मों का निर्देशन भी किया था। एक निर्देशक के तौर पर वो काफ़ी सफल हुए थे, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना मतलब एक पूरी फिल्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, और यश चोपड़ा ने महसूस किया कि ये हाई टाइम है कि उन्हें ये करना चाहिए कि एक फिल्म में चाहे जो भी हो, अच्छा या बुरा, पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि दाग को प्रोड्यूस भी वही करेंगे। आगे यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म की एंड के बारे में जिक्र किया। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि इस फिल्म की एंड में सुनील अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर के घर जाता है। ये फिल्म जिस समय में रिलीज हो रही थी सभी को लगा कि इस एंड के लिए लोग अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन यश चोपड़ा को फुल कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ हुई और इस फिल्म की एंड को लोगों ने बड़े प्यार से अपनाया, तब सभी ने माना कि यश चोपड़ा का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक था। आगे यश चोपड़ा ने ये बताया कि दाग की रिलीज से पहले फिल्म दाग उन्होंने जिन जिन को भी दिखाई सबने कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी इस फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तब यश चोपड़ा के फ्रेंड गुलशन राय जो कि उनके फाइनेंसर भी थे, उन्होंने सलाह दी कि हमें इस फिल्म को छोटे लेवल पर रिलीज़ करना चाहिए। शुरुआत में इस फिल्म को बॉम्बे के केवल 9 थिएटर्स में ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म के म्यूज़िक को, इस फिल्म की कहानी को इस फिल्म के रिलीज़ के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इतना पसंद किया गया कि इस फिल्म के प्रिंट लगभग 3 गुना ज़्यादा बिके थे। इसके आगे यश चोपड़ा ने ये बताया कि दाग की रिलीज़ से पहले वो काफ़ी डरे हुए थे कि ये फिल्म चलेगी या नहीं, लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ होकर के सुपरहिट हुई, इसका पूरा क्रेडिट यश चोपड़ा ने अपने दोस्तों और यूनिट को दिया। इसके अलावा इस फिल्म में एक गाना था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। ये गाना यश चोपड़ा जी के दिल के बहुत करीब था, उन्हें बहुत पसंद था। इसी के साथ सन 1952 में आई फिल्म दाग में मेन लीड के तौर पर काम किया था एक्टर दिलीप कुमार ने। इसी वजह से इस फिल्म का भी पहला मुहूर्त शॉट जो है दिलीप कुमार ने ही दिया था। ये बात करते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत हिट हुआ था और आज भी सुना जाता है। इस फिल्म के ज़्यादातर गानों को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने मिलकर गाया था। एक गाना था मैं तो कुछ भी नहीं, उसे राजेश खन्ना जी ने गाया था। इसके अलावा मैं तो यार मनाना नहीं, उसे लता मंगेशकर जी ने मीनू पुरुषोत्तम के साथ मिलकर गाया था। तो ये थे फिल्म दाग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। हालांकि इस फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये फिल्म सभी को उतनी ही पसंद आती है जितनी अपने समय में आती थी। इसी के साथ
ये फिल्म जो है मेरी पर्सनली भी फेवरेट है। इस फिल्म का म्यूज़िक, इस फिल्म के गाने मुझे आज भी सुनना बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये फिल्म ज़रूर पसंद होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।